दोस्तों लाइफ में एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है और उसी के साथ साथ अपना मार्केट में अस्तित्व भी रहना बहुत जरूरी है। तो इसी कुछ चीज को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने लॉन्च की है उसकी 4K टीवी, वो भी कम प्राइस में। जितने भी चाइनीज ब्रांड है उसको टक्कर देने के लिए उन्होंने लॉन्च की है 4K टीवी एकदम कम प्राइस में। उसके अलग अलग वेरियंट्स है, 43 इंच के, 50 इंच के और 55 इंच के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी टीवी के बारे में, क्या है इसके स्पेसिफिक पूरी प्राइसिंग और क्या ये आपके लिए परफेक्ट होगा और क्यों आपको 4K टीवी लेनी चाहिए 2019 में, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब सैमसंग की सुपर 6 LED टीवी के बारे में जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। और इसके स्पेसिफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट और 1 USB पोर्ट मिलता है। इसी के साथ साथ आपको 20 वॉट का स्पीकर भी मिलता है और 20 वॉट का स्पीकर है तो मतलब सैमसंग की टीवी में 20 वॉट का स्पीकर काफी अच्छा साउंड आपको मिलेगा। अगर मैं कंपेयर करूं इस Xiaomi की टीवी से तो स्पीकर उसके थोड़े 20 वॉट के होते हैं बट उसका साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें आपको 20 वॉट के स्पीकर में आपको अच्छा क्वालिटी साउंड का देखने मिल जाएगा। और बात कर ले इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसमें आपको टाइजन का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, इसमें एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता। और टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कहना चाहूंगा कि ये एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट होता है। इसको आपका जो एंड्रॉइड टीवी होता है उसको बूटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटअप ऐसे होता है एकदम क्विक, तो इसके वजह से इसका परफॉर्मेंस भी काफी फास्ट होता है। और मैं बात करूं इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर यूज किया हुआ इस टीवी में। और जैसा ही मैंने कहा कि ये एक 4K टीवी है तो 4K टीवी 2019 में आपको लेना चाहिए अगर आपका बजट 35,000 to 40,000 का है। और प्राइसिंग के बारे में आगे बात करूंगा इस वीडियो में। मेजर हाईलाइट इस टीवी की है कि इस टीवी के थ्रू आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट करने का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। आप जो भी टीवी पे देख रहे हो या आप अपने फोन पे देख रहे हो उसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हो इस टीवी के थ्रू। और दूसरा फीचर है कि इसका स्क्रीन मिररिंग का फीचर जिसके थ्रू आपके फोन में कुछ कंटेंट है आप डायरेक्टली आपके टीवी में देख सकते हो। तो ये 2 फीचर इस टीवी में बहुत ही अच्छे हैं। इसी के साथ साथ इस टीवी में आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं वीडियो देखने के लिए, जैसे नेटफ्लिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अमेजोन प्राइम, गूगल मूवीज, जियो सिनेमा और बहुत सारे। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और दोस्तों अगर आपको गेमिंग करना पसंद है तो ये टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी, क्योंकि इस टीवी में आपको सैमसंग ने दावा किया है कि आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। लैग फ्री मतलब आपको जरा भी एक भी सेकंड का टीवी में रुकावट नहीं होगी, आपके गेम खेलने में आपको जरा भी लैग देखने नहीं मिलेगा। और उसके ग्राफिक्स तो वंडरफुल होने वाले, इसका दावा सैमसंग ने किया हुआ है इस टीवी में। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक टीवी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है उसका पैनल, उसका डिस्प्ले। तो अभी तक पैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सैमसंग की तरफ से हमें कुछ अभी तक पता नहीं चला है। जैसे पता चलेगा मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डिटेल उसकी डाल दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसके अलग अलग वेरियंट्स और इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसमें 3 वेरियंट है इस टीवी में, एक 43 इंच का, 50 इंच का और 55 इंच का, इसके 3 वेरिएंट है। और प्राइसिंग की बात करूं तो 43 इंच का आपको मिल जाएगा 42,000 रुपीज का, 50 इंच का मिल जाएगा आपको अराउंड 52,000 का, 55 इंच वाला आपको मिल जाएगा 62,000 रुपीज में। तो ये इसके प्राइसिंग है तीनों ही मॉडल के। तो ये टीवी आपको सैमसंग ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, अमेजोन पे भी आ सकता है। अभी तक फिलहाल अमेजोन पे कुछ भी अपडेट नहीं आया। अमेजोन पे सैमसंग का कहना है कि वो 2-3 दिन बाद आपको अमेजोन की वेबसाइट पे भी देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका बजट 40,000 के आसपास का है और तो फिर आपको 4K टीवी लेनी चाहिए 2019 में, क्योंकि इस समय सारे कंटेंट धीरे धीरे जो भी है अपग्रेड होके 4K में ही हो रहे। तो अगर आप टीवी लेते हो तो एटलीस्ट 4 या 5 साल तो यूज करोगे, तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें 4K टीवी ही लेनी चाहिए अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है। तो दोस्तों देखते हैं कि अब Xiaomi की जो टीवी है 43 इंच की, 55 इंच की, इसको क्या बीट कर पाएगा। प्राइसिंग तो लगभग दोनों ही टीवी की सेम है, लेकिन मेरे हिसाब से सैमसंग एक ब्रांड है और MI भी वैसे एक ब्रांड है, लेकिन सैमसंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट
1 लाख 1.5 लाख की टीवियां होती हैं और इस समय सैमसंग ने बीट करने के लिए बाकी सब ब्रांड को प्राइसिंग उसी कम रख दी है। तो देखते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी टीवी ज्यादा चल रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में धूम मचा रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है, किस प्रोडक्ट में ज्यादा दम है या कौन सी टीवी अच्छी होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखी है। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग नए हमारे हैप्पी गैजेट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, घंटा टन टन टन। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गैजेट। बाय बाय। और इंस्टाग्राम भी फॉलो करो। बाय बाय।